जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है गेहूं की फसल के बारे में। दोस्तों, जो हमने पिछला वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि गेहूं पर कैसा स्प्रे करना चाहिए और उसमें कौन सा खाद डालना चाहिए, जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके बताया था। और आज इस वीडियो में आपको वही जो हमने बायोविटा का स्प्रे किया था उसका रिजल्ट बता रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये गेहूं की उंबी है, जो इसकी साइज मतलब कम से कम बहुत अच्छी साइज हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। यदि आप भी कोई छोटे मोटे किसान हो भारत के किसी भी ज़िले से, तो आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है दोस्तों कि गेहूं के अंदर कौन सा खाद डालना है, कौन सा नहीं डालना है, कैसे कैसे उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, कैसा का नहीं करना चाहिए, यूरिया का उपयोग करना चाहिए या नहीं, कौन सी दवा डालने से इसकी उंबी है वो बड़ी होएंगी। ये छोटी मोटी हर जानकारी होनी चाहिए, किसान को अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए ताकि उसे किसी भी फसल में फ़ायदा हो, और फ़ायदा होना भी चाहिए। हम आशा रखते हैं खेती करने से कि कुछ हमें उपज मिलेंगी, लेकिन हमारे सही तरीके से खेती नहीं करने पर हमें लॉस होता है और प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसीलिए आप हमेशा जिस किसी भी की खेती करो तो उसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और जानकारी नहीं हो तो आप किसी YouTube पर सर्च करके भी देख सकते हैं, या फिर किसी बड़े किसान से आप पूछ करके उससे सही सलाह लेकर आप ज़रूर खेती के अंदर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ये गेहूं आप देख सकते हैं, उस समय गेहूं का कलर थोड़ा पीला था और आज देख सकते हैं बहुत ही हरे भरे गेहूं हैं। और ये उंबी के अंदर उस बायोविटा का स्प्रे करने से दोस्तों, उंबी के अंदर कम से कम एक उंबी, गेहूं की उंबी के अंदर 5 से 6 दानों का फर्क पड़ता है। मतलब जिसकी साइज़ कम होती है तो बायोविटा का अच्छा स्प्रे करने से उसकी उंबी की साइज़ कम की ज़्यादा थोड़ी और बढ़ जाती है। ये आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने कई वीडियो और से नहीं बनाया, अपने खेत से बनाया और वो भी काम करते समय बनाया। तो आप देख सकते हैं ये परिणाम बहुत ही अच्छे गेहूं हैं, और इसके अंदर कम से कम 3 बीघे के अंदर ये गेहूं की खेती की हुई है और सब एकदम अच्छे गेहूं खड़े हैं। देख सकते हैं आप, पीलापन कोई ज़रा सा भी पीलापन नहीं है इसके अंदर, आप देख सकते हैं भरपूर खेत भरा हुआ है। और ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ गेहूं हैं, इसके ऊपर सारी उंबी आ चुकी है। अब इसके अंदर उंबी के अंदर गेहूं बनना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमेशा सही दवा का उपयोग करने पर सही रिजल्ट मिलता है। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे गेहूं हैं। इसमें हमने यूरिया का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया है, क्योंकि हम जानते हैं यूरिया से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है। किसान भाइयों, यदि आप भी छोटे मोटे किसान हैं तो आपको इस सारी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपकी फसल आपको अच्छी पैदावार मिल सके और आपकी सिरे पर एक अच्छी समक आ सके। और जिस अन्नदाता की लोग अन्न की आशा करते हैं उसे भरपूर अन्न मिले और अपना परिवार का अच्छे से गुजारा कर सके, क्योंकि एक किसान की हालत किसान ज़रूर समझ सकता है। और एक अच्छी जानकारी के लिए हमारा वीडियो को लाइक करें, नए वीडियो के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम गार्डन के बारे में भी वीडियो बताते हैं, और अच्छे अच्छे वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।